तक तैयार है लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे। वैक्सीन नहीं लगवाने के अजब गजब बहाने। समस्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना से नहीं वैक्सीन से डर लगता है। अगर वो नुकसान कर दिया हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगे। वैक्सीन के डर से घर पर तालाबंदी। यही से घर का भी वही हाल है, हम लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों को आवाज दे रहे लेकिन खोल नहीं रहे। वैक्सीन पर भ्रम, जाल से कब निकलेंगे? मैं हम ना जाए खाना खाए कहा है क्या कहता जा अल्लाह जी कौन जाता नहीं से भाग गए नहीं से सुई लगाया जाता रहा जाता। वैक्सीन से डरेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे? बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। वैक्सीन है तो जान भी जहान भी। सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक हर कोई अपील कर रहा है कि वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खतरे को कम कीजिए, लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग हैं जो वैक्सीन के भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। देश के शहरी इलाकों में तो लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन के नाम पर डर रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा है और इसी वजह से वहां वैक्सीन फोबिया है। गांव में वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर बहानेबाजी हो रही है, बेतुकी दलीलें दी जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के भ्रम जाल को तोड़ने के लिए सरकार को जागरूकता बढ़ानी होगी। अम्मा अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा कहां दुखी हो अम्मा इतने आओ अम्मा अम्मा विधायक जी आई आपके घर है अच्छा अम्मा बात। वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक बुजुर्ग महिला के मन में इतना डर है कि वो घर के एक कोने में छिप गई। दरवाजे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए आई थी, लेकिन इन्हें लगा कि वैक्सीन लगाने के लिए लोग आए हैं। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर इस बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला को समझाने के लिए इटावा सदर की विधायक सरिता भदौरिया भी आई हुई थी। उन्होंने इस बुजुर्ग महिला के डर को दूर करने की कोशिश की। महिला एक दरवाजे के पीछे छुपी थी, हमने उससे बात की तो वो भाग के अंदर गई और छुप गई। मुझे लगा कि शायद डर रही हो और यही था कारण, वो डर रही थी। वो कह रही थी कि हमको वैक्सीन लगवाने से फीवर आ जाएगा, ऐसा लोगों ने उसे भ्रमित कर दिया होगा। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे समझाया और कहा, फिर उसने प्रेरित होकर वैक्सीन भी लगवाई। तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। वैक्सीन का डर सिर्फ किसी एक गांव या एक राज्य तक सीमित नहीं है, देश के अलग अलग राज्य और वहां के ग्रामीण इलाकों में यही हाल है। कारण कोई फायदा नहीं है, न अंत्योदय है, न अन्नपूर्णा है, न कार्ड है, न तेल मिलता है, न इंदिरा आवास मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तुम क्या सरकार का सुइया लेगा, हम जब इससे मरते हैं तो इससे भी मर जाए। वैक्सीन नहीं लगवाने का सबसे अनोखा बहाना सुना आपने, सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बिहार के पूर्णिया जिले के टीका पट्टी गाँव के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, इसीलिए उल जुलूल बहानेबाजी कर रहे हैं। समस्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है।
बिहार के कैमूर जिले के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर इतना डर है कि गांव में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई में अब कई लोगों ने खाना खाना ही बंद कर दिया है। मतलब कोरोना के सुई नहीं दी हुई तुम लोग? नहीं, कैमूर के भगवानपुर इलाके में कुछ लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस गांव में भी कई लोग वैक्सीन के भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें डर है कि खाने के बहाने उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी, जबकि हकीकत तो ये है कि सरकारी अधिकारी यहां आने वालों को वैक्सीन के लिए सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। एक मामला आया था कि जो टीका 45 वर्ष अधिक होंगे लेंगे वही भोजन करेंगे, क्या कुछ है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ जिस स्थान पर बाजार हो, जहाँ भोजनालय की व्यवस्था हो, बस स्टैंड हो, हर जगह कुछ आम पब्लिक को जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और पंचायत स्तर पर हमारे पंचायत स्तर के कर्मी लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। बिहार के मुंगेर जिले में तो गांव के लोग वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर घर छोड़कर ही चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई घरों पर ताले लटके मिले तो कुछ लोगों ने घर को अंदर से बंद कर लिया और लाख मिन्नतों के बावजूद दरवाजे नहीं खोले। इस घर का भी वही हाल है, हम लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों को आवाज दे रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे। इंजेक्शन के डर से लोग हमसे बात भी करना नहीं पसंद कर रहे हैं और गेट भी अंदर से लॉक किए हुए। ये सिर्फ इस घर की स्थिति नहीं है, बहुत सारे घरों की यही स्थिति है। सिर्फ बिहार और यूपी के ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात नहीं है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गाँव में तो लोगों ने बहानेबाजी की हद ही कर दी। हमारे यहाँ जंगली इलाका है तो हमें जंगली इलाका में ऐसी मतलब मर्जी नहीं मतलब ज़्यादा सूट कर सके, मतलब हल्की बुखार खांसी मतलब होगी तो हल्की खातिर ऐसी जंगल में जड़ियाँ हैं, खाए पे ऐसी मतलब सब ठीक हो जाए। अगर वो नुकसान कर दिया हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लग जाते। सुना आपने, कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे तो कोई कह रहा है जड़ी बूटी से ही खांसी बुखार चला जाएगा। ये वो लोग हैं जो देश के गांव में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन तक वैक्सीन की सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। वैक्सीन के इन बहानेबाजों को ये समझना होगा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। वैक्सीन से डरने वालों को मध्य प्रदेश के मंडला के सोनसाय बैगा से सीख लेनी चाहिए। सोनसाय बैगा जड़ी बूटियों के जानकार हैं और एक एक जड़ी बूटी को देखकर बता देते हैं कि इससे कौन सी बीमारी ठीक होगी। बीते 42 सालों में बैगा ने एक भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई है, लेकिन जब बात कोरोना को हराने की हो तो सोनसाय बैगा ने भी वैक्सीन पर ही भरोसा जताया है। देखिए सर, हमने तो देखिए पहले मैं अभी 40 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक डॉक्टर को कोई मेरे कोई नहीं छिए थे। लेकिन बात ये हुई कि जब हमने अभी जो कोरोना काल पहला लहर में तो हमको कुछ मतलब नहीं जानकारी मिले, दूसरे में भी नहीं मिली, लेकिन अब तीसरा आने वाले थे इसलिए हम कहें कि भाई अब पूरे देश विश्व में फैल रहा है तो हम भी कहें कि लगवा लें करके हमने भी लगवाए। कल मोचा गए थे आशीष भाई के साथ, अगर मैं मर जाऊँ तो ठीक है, मतलब हमारे समाज के लिए, तो ऐसे सोच के मैंने ही वैक्सीन लगवाया कि अगर मैं नहीं लगवाया तो दूसरे को लगवा दे तो फिर दूसरे सोचते कि अपन बच गया, खुद दूसरे को मार डाले, तो मैंने खुद ही अपने जवाबदारी से मैं खुद लगवाया। बैगा आदिवासी इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग गांव मोहल्लों में सोनसाय बैगा जैसे लोग जरूर होंगे जिनकी बात गांव के लोग समझते भी होंगे और मानते भी होंगे। हर गांव में ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि कोरोना से जंग में कोई भी वैक्सीन लगवाने में पीछे न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।